सेंटर पार्क भेस्तान खाते नाना बाळको द्वारा शेरी नाटक नुं आयोजन करवामां आव्युं हतुं, जेमां समाजना तमाम लोको द्वारा बाळको अने महिलाओने स्वच्छता अंगेनी माहिती आपवामां आवी हती। दरेकने स्वच्छता प्रत्ये शपथ आपवामां आव्या हता। नेहा जावरे घरनी जूनी नकामी वस्तुओनो उपयोग नवी बनाववा माटे केवी रीते करी शकाय तेनुं डेमोन्स्ट्रेशन आप्युं हतुं। कार्यक्रममां शामेल तमाम सभ्यो एक थई सूरतने स्वच्छ बनाववा शपथ लीधा हता। कृष्णा पटेल स्विमेर खान मुकेश जानी सोसायटीना हेड मुर्तुजाभाई GWIPL द्वारा शेरी नाटकों रजू करनार बाळकोने इनामनुं वितरण करवामां आव्युं हतुं। बाळकोने प्रोत्साहित कर्या हता। आ प्रसंगे टीम आशेन अने आयुष्मती फाउंडेशनना CA अभिनय जैन, कृष्णकांत भट्टर, श्वेता जानू, मनीष शारडा, भगवती प्रसाद गग्गर, अतुल मोहता, CA आदित्य जावर, CA मयूर जानवर, CA बालमुकुंद काबरा, CA अनुभव जैन, आनंद जाजू, प्रिया देवपुरा, चंचल बच्चाणी, राजश्री जवर, वंदना भंडारी, लाइन मिनिस्टर सुमन काबरा, शोभा जावर, महेश्वरी, सुमन चांडक अने समग्र टीम ने सफलतापूर्वक हाजरी आपी हती। मेरा नाम श्वेता आनंद जाजू है। श्वेता मैडम, आज जो कार्यक्रम रखा गया है, कौन सी संस्था से रखा गया है और ये कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? आयुष्मती फाउंडेशन व टीम आशाएं मिलकर सूरत नगर महापालिका के सहयोग से और GWIPL के सहयोग से हम ये कार्यक्रम पूरे सूरत जोन में कर रहे हैं, क्लीन सूरत कैंपेन, जिसमें हमारा जो कार्यक्रम है वो बुरहानी सेंचुरी पार्क में है, जिसको ऑलरेडी SMC की ओर से अवार्ड मिला हुआ है। SMC ने ही हमें इस कार्य के लिए यहाँ पर आगे कार्य के लिए भेजा है कि आपको वहाँ पर भी इस बारे में गीला कचरा और सूखा कचरा को कैसे सेग्रीगेट करते हैं इस बारे में बताना है। सोच कहाँ से आई आपको? ये सोच तो हमारे कण-कण में है, हमने बिल्कुल शुरुआत से हमारे मन में ये है। और आयुष्मती फाउंडेशन पिछले कई वर्षों से ये कार्य कर रही है, स्वच्छ भारत बनेगा स्वस्थ भारत के कैंपेन। हमने 42 से अधिक गांवों में इसके बारे में एजुकेट किया है, जिसमें दिल्ली से हमें एक अवार्ड भी मिला था, श्रीमती राजश्री बिरला के द्वारा हमें अवार्ड दिया गया था। सूरत में कौन कौन सी जगह पे आप ये प्रोग्राम करते हो? उदना, भेस्तान जोन, सचिन जोन, सभी में हमने 32 से अधिक स्कूलों को अभी लास्ट 9 दिनों में कवर किया है। क्या संदेश देना चाहोगे? संदेश यही कि सूखा कचरा और गीला कचरा को अलग करके हमें हमारे सूरत को नंबर 1 पे लाना है, और आप सभी के सहयोग से। जी, मेरा नाम आदित्य जवर है। आदित्य भाई, अभी जो कार्यक्रम रखा गया है कौन सी जगह पे है? जी, बुरहानी सेनेटरी भेस्तान में है, और यहाँ पर हम GWIPL की जो संस्था है और SMC के सहयोग से हम लोग यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा है, जिसके अंदर हमारा उद्देश्य है कि स्वच्छ भारत बनेगा स्वस्थ भारत। ये मतलब कितने लोग जुड़े हुए आपके साथ? इसमें हमारी पूरी आयुष्मती फाउंडेशन और टीम आशा है जो पूरी जुड़ी हुई है। इसके अलावा इस फाउंडेशन के अंदर करीबन 80 मेंबर्स हैं, पूरी 80 लोगों की टीम है, प्लस SMC की टीम है, और बुरहानी जो परिवार है, जो सोसाइटी है, उनका बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है हमको। क्या मैसेज देंगे? हम यही मैसेज देना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को कि स्वच्छता ही है जिससे हम सारे रोगों को दूर कर सकते हैं, और स्वच्छता ही है जिसके थ्रू हम लोग 1 आ सकते हैं। हमारा यही मैसेज है कि जिस प्रकार अभी सूरत दूसरे नंबर पे आता है हर साल स्वच्छता के अंदर, और इंदौर 1 पे रहता है, हमारा एक ही टारगेट है कि सूरत को स्वच्छता के क्षेत्र में 1 लाना है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि स्वच्छ भारत बनेगा स्वस्थ भारत, और नरेंद्र मोदी जी की जो मुहिम है कि स्वच्छ भारत इज आवर मिशन, स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत। थैंक यू वेरी मच। आपका नाम? मेरा नाम कृष्णा पटेल है। हम GWIPL कंपनी से है। स्वच्छता अभियान के अंतर्गत भेस्तान जोन के अंदर जो कुछ भी कार्यक्रम हो रहे हैं, इसके अंदर टीम आशाए एंड आयुष्मती फाउंडेशन जो हमने NGO अपॉइंट किया है, उसके थ्रू सभी सोसाइटियों में जाते हैं, टीम आशाएं जाती है, आयुष्मती फाउंडेशन के जो कुछ भी एम्प्लॉय वो जाते हैं, और हर सोसाइटी में जाके सूखा गीला सेग्रीगेशन के बारे में वो कैंपेन करते हैं, हर स्कूल में वो जा रहे हैं। ये जो कैंपेन है वो कंटिन्यू चला करे, ऐसी हम आशा रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, S9 न्यूज़, सूरत।